తెలు रिपोर्टर। मेरा नाम सोहेल फैजा तबलीन है। मैं कली चौकी आई एस कॉलोनी में रहती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ में। मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद अब्दुल अलीम है। मेरी शादी जनवरी को में हुई, जनवरी 19 को। शादी होने के साथ ही मेरे चार महीने हो रहे हैं शादी होके खाली, और मेरे हस्बैंड का, मेरे इन लॉज का मेरे को दूसरे दिन से टॉर्चर शुरू। शादी में तुम लोग पैसे नहीं दिए, दहेज में सब लिए, फर्नीचर लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लिए, मेरा गोल्ड सब 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 रख लिए। वो लोग कैश की डिमांड कर रहे थे, 3 लाख कैश ला कर दो बोले। कैश की डिमांड क्या बिफोर मैरिज कर रहे थे या नहीं? आफ्टर मैरिज करना स्टार्ट करे। बिफोर मैरिज बोले हम कुछ नहीं लेते, हम सब डिमांड कुछ ना करे। बिफोर मैरिज, बिफोर मैरिज कुछ डिमांड नहीं करे। आपके मैरिज अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है मेरी। कहाँ से? कोई मैरिज ब्यूरो से कराए थे? नहीं, मेरे बड़े ननंद मेरे खाला के स्कूल में, खाला एक ही स्कूल में जॉब करते हैं, उन लोगों के थ्रू ये प्रपोजल लगा था। मेरी अरेंज मैरिज हुई जनवरी 19 को। शादी के बाद ही मेरे को हरासमेंट शुरू। तुम लोग 3 लाख का इंतज़ाम करके मेरे को 3 लाख ला कर दो। किस वजह से उन्होंने 3 लाख? या कुछ कंस्ट्रक्शन था या कोई बिजनेस के लिए बोले? उन्होंने शादी पूरी खर्चे में कर ली है। उनको पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का खर्चा उतारना है। उनके जीजू से लिए सो पैसे हैं उन्होंने, वो सब उनको वो ताना है, या उन्हें पता नहीं क्या करना था उनको वो पैसों के साथ। एक महीना बहुत सता है। मैं मम्मी को बोल के, मम्मी ये लोग लोन लेके, कर्जा लेके 3 लाख रुपीस लाकर भी दे दिए। थोड़े दिन खामोश बैठे। जैसे मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई, फिर शुरू करे मेरे साथ हरासमेंट। अब हमको 3 लाख 5 लाख चाहिए, हम लोग को 3 लाख बस नहीं हो रहे, आप लोग तो 5 लाख लाकर दो। आप एक प्रेगनेंट लेडी को वो लोग दिन दिन भर भूखा रखते थे, खाना बराबर नहीं देते थे। सास ससुर कुछ नहीं बोलते थे? मेरे सास ससुरे, मेरे ननन, मेरे हस्बैंड सब इन्वॉल्व थे इसमें। 10-15 दिन का बासी खाना खिलाते थे मेरे को, अगर मैं खाना भी पूछती थी तो। एक प्रेगनेंट लेडी को कोई 10-15 दिन का बासी खाना तारा खाना खिलाते थे मेरे को, मगर खाना पूछी तो, अगर खाना नहीं खाए तो भूखे छोड़ देते थे मेरे को। April 20-21 को मम्मी के घर में एक जोड़ी कपड़ों में लेके जाकर छोड़ दिया, बोले जब तक 5 लाख नहीं देते तुम घर वापस मत आओ। अभी क्या आपको मारे क्या उन्होंने? मेरे को हर रोज़ टॉर्चर करते थे, हर रोज़ मारते थे उन्होंने, पचकड़ा मारते थे। सास आके इतने बुरे बुरे गालियाँ देके जाती थी मेरे को, तुम्हारे अम्मा बाबा ऐसे है, तुम ऐसे है, तुम्हारा खानदान ऐसा है, सब बोलते थे सास मेरे को। मेरे नंदा आके टॉर्चर करते थे घर पे आके मेरे को। कब मारे उन्होंने आपको? कल रात। मैं कल एक महीने के बाद घर वापस गई सिर्फ 2 कपड़े लेने के लिए। मेरे जैसे ही देखे मैं कॉल करके गई थी, मैं बोली मैं आके सिर्फ कपड़े लेके चल जाती हूँ और कुछ नहीं होना मेरे को घर से। मेरा पूरा ज्वेलरी रख लिए है, सब रख लिए मेरा, सिर्फ मैं कपड़े लेने आ रही थी। जैसे ही मैं घर पहुँची मेरे को देखे खाली हाथ हूँ, मैं मेरा भाई दोनों गए थे। जैसे ही देखी खाली हाथ आई, बिना 5 लाख के आई, लोग बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिए। मेरे सास, 2 नंदा, मेरे हस्बैंड ससुरे और मेरे हस्बैंड के कज़न, हम दोनों को मारना शुरू करे। मेरे हस्बैंड मेरे हाथा पकड़ ले, मेरे सास मेरे को पेट में पंचस दे रहे, 5 to 6 पंचस मारे उन्होंने। अब ना तो आपको जिंदा छोड़ती हूँ ना मेरे बच्चे को, उनके पंचस की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरे कॉन्ट हैमरेज हो गया, मेरा बच्चा अंदर का अंदर ही मर गया। लोगों को इतना बर्फ रखने पड़ा। तो आप यहाँ पुलिस में कंप्लेंट लिखा है? मैं कल रात में आके 12 बजे पुलिस में कॉल करी मैं। हम लोग को रूम में बंद करके मारे बाद में, जैसे ही मेरे मम्मी घर में आए, मेरे मम्मी को मारना शुरू करे वो लोग, गैर मर्द हाथ लगाए मेरे मम्मी को। तो केस बुक हुआ पुलिस में आपका यहाँ पर? कल रात में आके मैं केस बुक करी, कल रात से अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहा पुलिस वाले। कोई एक्शन नहीं लिया? क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? सिर्फ इंक्वायरी, उन लोगों को अब तक कोई बुलाए नहीं, बात करिए नहीं, पूछे नहीं। बी श्रीनिवास जो है, बी श्रीनिवास है जो ऐसा ही है यहाँ के, उन्होंने कोई एक्शन नहीं ले रहे। मेरे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के बुलाए यहाँ पे स्टेटमेंट लेने के लिए, 1 घंटे से बिठा के रखे। आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया? मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उन लोगों से। मेरे इन लॉज आराम से घर में बैठे हुए हैं, मेरे बच्चे का कत्ल करके वो लोग आराम से घर पे बैठे हुए और कोई कुछ नहीं कर रहा है। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? मेरे को बस जस्टिस चाहिए, मेरे को मेरे बच्चे के लिए जस्टिस चाहिए। एक बच्चे का, एक मासूम बच्चे का कत्ल करके वो लोग जो बैठे हुए हैं, मेरे को उसके लिए जस्टिस चाहिए।